राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों की खरीद फरोख्त और सियासी तोड़फोड़ की आशंकाओं के चलते कांग्रेस बड़ा कदम उठा सकती है। बताया जा रहा है कांग्रेस अपने विधायकों को एक जगह से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर रही है। खबर है कि कांग्रेस हरियाणा से अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर में भेज सकती है। कांग्रेस ने गुरुवार को विधायकों को पहले दिल्ली पहुंचने का आदेश दिया है, उसके बाद रायपुर के मेफेयर लेक रिजोर्ट और चित्रकूट के दैंदनी रिजोर्ट में रुकने की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को रायपुर के लिए रवाना कर दिया है। बता दें, हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने भी दावेदारी की है। दोनों सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है। कहा जा रहा है कि तीसरे निर्दलीय उम्मीदवार को बीजेपी और जेजेपी का भी समर्थन है। कांग्रेस को विधायकों की तोड़फोड़ की आशंका है। चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए पार्टी विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए इसे सुरक्षित जगह मानकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति।